वो लखनऊ है, मीटिंग है आज इलेक्शन वाली, सब निकल चुके हैं। ऐसी क्या बात है जो वो करेंगे हम नहीं कर सकते। बड़े अधिकारी है का नाम है तो आप जो मर गए पति का भल का मामला मार्केट भल अच्छा एक बार जाके घरे देख के आके दोबारा जाके घरे मर ले साहब। अच्छा काहे बदे मर ले रहा अब वे लोग ने जानिए साहब काहे के मर ले। अच्छा हम तो सो गए थे साहब, हम देखे नहीं कि क्यों मारे। कितना लोग रहा? 8 बजे रात को हम लोग सो गए थे, उठे देखे तो वो लोग आके इनको मार रहे थे। जब हम बचाने गए तो हमको मार दिए, दो हमारे लड़के थे उनको मार दिए। काहे से मारा तो ना? अब हम जाने थे साहब सुतले में के हुआ, गर्दन काट के चले हम देखत बाणी। मैं विनय सागर जोनल प्रभारी आजाद समाज पार्टी वाराणसी। टड़मा टप्पा सौरी गाँव में एक विवाद हुआ था बताया जा रहा है, उसमें छोटी जो व्यक्ति था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, क्या है पूरा मामला? देखिए जो हमारी भीम आर्मी की टीम के द्वारा जो मुझे पता चला है, तड़वा के विजय भाई जिनकी उम्र लगभग 35 बरस थी, 10 तारीख के शाम के समय बाथरूम करने के लिए विवाद की वजह से उनके ऊपर गाँव के लोगों ने हमला बोल दिया। रात्रि के सोए समय में रात्रि के 11 बजे करीब जाके उनको इतना मारे पीटे लोग, उनको काफ़ी चोट आई, पेट में अंदरूनी चोट आई। वो तब से लगातार ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था और इस दौरान इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु। इस मामले को लेकर ग्रामीणों के साथ बीमार धरने से बची थी और यहाँ FDM जखनिया और जिलाधिकारी जखनिया और क्षेत्राधिकारी पुलिस महकमा आया हुआ था। कई मांगों पर उन्होंने सहमति जताई है और हमारे आने से पहले FDM यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, आप उनकी पत्नी हैं और मैं पूरा आश्वासन दिलाना चाहूँगा परिवार को कि यदि उनके परिवार को मुआवजा और जो जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, अपराध किया है, जिन्होंने हमला किया था, उनकी गिरफ्तारी अगर जल्दी नहीं होती है, 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो कल हम लोग धरना बैठने के लिए बात करेंगे। ये प्रकरण संज्ञान में CO साहब के द्वारा लाया गया था कि ग्राम सभा टड़वा टप्पा सौरी में विजय कुमार नामक व्यक्ति का किसी के साथ मारपीट हो गई थी उनके पड़ोसियों से किसी कारणवश, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे कई दिनों से, लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को वहां पे रख के जाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पे CO साहब और इंस्पेक्टर साहब के द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। उसमें उसकी गरीबी को देखते हुए उसको आर्थिक सहायता तहसील प्रशासन के द्वारा दी जाएगी और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, विधिक कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी।